स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, हमने गर्मजोशी के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन किया। हम सभी शिमला प्रशासनिक जिला के दूरदराज के क्षेत्रों से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभिनंदन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत दूरदराज के क्षेत्र से सुबह से चल करके यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं। इसलिए इस अभिनंदन समारोह में हम अधिक विलंब नहीं करेंगे। मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बिंदल जी से, प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शॉल, टोपी और पुष्प कुश दे करके सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर बिंदल जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आठों मेरा निवेदन है कि विजय के प्रतीक हनुमान जी की गदा भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और जयराम जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यानी अभिनंदन गदा के साथ अभिनंदन करें। भारत माता की। मेरा सभी आठ मंडल अध्यक्षों से यानी शिमला जिला के मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि वो तुरंत जल्दी आकर के बड़ी माला से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी मंडल अध्यक्ष, स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए और जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय सुरेश कश्यप जी, स्वागत है जी, स्वागत है,
स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आज के इस अभिनंदन समारोह में तीन राज्यों की प्रचंड जीत के बाद हिमाचल पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमात्मा श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं अपनी ओर से तथा यहां विराजमान स्वर जनता की ओर से इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में और तीन राज्यों की जीत के बाद आज यहां शिमला में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार कर्ता ध्वनि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, कर्ता ध्वनि से जोरदार स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करें। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लीड, प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी के अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है और आज उसी का नतीजा है जो जन सैलाब हम यहां पर देख रहे हैं, या जिस प्रकार से जो जन सैलाब सोलन में उमड़ा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसके कारण जहां देश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, वहीं हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी एक नई उमंग और नया जोश देखने को मिला है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जो दूर दराज के क्षेत्रों से चलकर यहां पर आए हैं, साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्षी जयराम ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय श्री सुदान सिंह जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी, आदरणीय बिहारीलाल शर्मा जी, आदरणीय त्रिलोक कपूर जी, हमारे पार्टी के यहां पर विराजमान सभी पदाधिकारी बंधुओं, सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर मोर्च मंडल तक के पदाधिकारी, सभी यहां पर विराजमान सम्माननीय विधायकगण और कोने कोने से, शिमला जिला के कोने कोने से आए कार्यकर्ता बंधुओं, संजू भाई, जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज देश भर में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है जहां पिछले दो बार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और फिर एक तीसरी बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर देश में सरकार बनाने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
2024 का वर्ष जो कि जहां लोकसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी, साथ ही साथ इसलिए भी यह वर्ष ऐतिहासिक है क्योंकि आने वाली 22 जनवरी को रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे, ये भी हम सबके लिए खुशी का अवसर है। ऐसे समय में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में आपने हिमाचल प्रदेश का प्रवास वो भी शिमला संसदीय क्षेत्र से शुरू किया, आज सोलन में आपका अभिनंदन हुआ, अभी शिमला में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से आपका स्वागत किया, आपके मार्गदर्शन से आपके संबोधन से कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित रूप से आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जीतेगी, ये बात तय है। मैं बहुत लंबी बात करते हुए फिर से एक बार आपका यहाँ शिमला में पधारने के लिए और जितने भी तमाम नेतागण मंच पर विराजमान हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी बुजुर्ग बहने भाई नौजवान साथी मीडिया के बंधुवर और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी से निवेदन करता हूं कि अपना संबोधन रखें। आज हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे मध्य पधारे हैं। हम एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें।